जिस तरह पठान फिल्म ने अपने खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग को अपना ईंधन बना लिया, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी। शाहरुख खान के पठान से एंकर सुधीर चौधरी ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना, ट्वीट हुआ वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बुधवार को विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी बीच एंकर सुधीर चौधरी ने हाल ही में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण से करते हुए एक ट्वीट किया, जिस पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। एंकर सुधीर चौधरी ने अपनी शो का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा पीएम मोदी का भाषण उतना ही शानदार था जितना बॉक्स ऑफिस पर पठान फिल्म ने कमाल किया है। जिस तरह से शाहरुख खान ने फिल्म के जरिए बायकॉट पठान करने वालों को जवाब दिया, ठीक उसी तरह पीएम मोदी ने भी विपक्ष के बायकॉट गैंग को चुन चुन कर जवाब दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह पठान ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की है, वैसे पीएम मोदी का भाषण करोड़ों लोगों की वोट खींचने की क्षमता रखता है। जैसे शाहरुख खान ने अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, उसी तरह मोदी ने अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है। उनके खिलाफ जितने भी नकारात्मक प्रचार किए जाते हैं वो उतनी ही तेजी से उभर कर सामने आते हैं। इस वीडियो के साथ एंकर ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण पोलिंग बूथ पर वैसा ही साबित होगा जैसे पठान फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन। एंकर सुधीर चौधरी के ट्वीट पर जनता ने क्या कहा, आइए बताते हैं। पैरोडी अकाउंट नीमो यादव द्वारा कहा गया, लेकिन भक्तों के हिसाब से तो पठान फ्लॉप है, तो भक्तों के हिसाब से मोदी का भाषण भी फ्लॉप ही साबित होगा। पैरोडी अकाउंट रोफल गांधी ने लिखा, 100 करोड़ की वसूली से सीधा 100 रुपए पर ट्वीट पे आ गया, पत्रकारिता के साथ साथ आय का स्तर भी गिरा लिया। चंदन यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भाजपाई बायकॉट गैंग वैसे जैसे पठान से पिटा है, वैसे ही अडानी गैंग भी बूथ पर पिटेगा। 9 सालों की झूठ और लूट के स्तंभ को जनता पस्त करेगी। हिमेंद्र मालवीय नाम के ट्विटर यूजर ने एंकर से कहा, कड़े सवालों से अक्सर लोग नर्वस ही हो जाते हैं, खासकर तब जब व्यक्ति खुद अपराध बोध से ग्रस्त हो, फिर वो बातों को इधर उधर टालता है, वर्तमान पर पूछो तो भूतकाल में चला जाता है। एक ट्विटर यूजर ने तंज के रूप में कहा, तलबे साफ हो गए पर जुबान है कि थकती नहीं। शाहरुख खान की पठान से पीएम मोदी की तुलना करने वाले एंकर सुधीर चौधरी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।